नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। आज का टॉपिक है निर्भरता, जिसको हम इंग्लिश में डिपेंडेंसी कहते हैं। पंजाब के अंदर रमेश नाम का एक लड़का रहता था, जो कि अपनी छोटी से छोटी चीज के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता था और सदैव आलस कर करके अपने शरीर को खराब करता रहता था। एक दिन उसको एक इंसान ने कहा कि भाई, तू जीवन भर दूसरों से मांगता रहता है, क्यों नहीं तू भगवान से जाके कुछ मांगता। ये बात उसके मन में बैठ गई और वो कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़ा। कैलाश पर्वत की तरफ पहुंच करके उसने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव, जो कि बहुत दयालु हैं, प्रकट हो गए। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपके लिए 1 लाख साल का क्या मतलब होता है? तो भगवान ने कहा, हे पुत्र, 1 लाख साल का मेरे लिए मतलब है जैसे 1 मिनट। तो उसने कहा, अच्छा। तो उसने कहा, भगवान, $1 लाख का आपके लिए क्या मतलब होता है? तो भगवान शिव ने कहा, क्योंकि भगवान शिव तो बोले हैं, उन्होंने कहा $1 लाख का मेरे लिए मतलब होता है जैसे 1 पैसा। तो रमेश ने बड़ी चलाकी से उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे एक आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि हे भगवान, मुझे 1 पैसा दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, भगवान भी स्मार्ट हो गए आजकल, तो भगवान ने कहा कि पुत्र, ठीक है, 1 मिनट का इंतजार करो, मैं तुम्हें दे देता हूं। तो भगवान शिव के मुख से 1 मिनट सुनकर के रमेश भौचक्का हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन भर हम इसी तलाश में रहते हैं कि हमें कोई जादू की छड़ी मिल जाए, जिसके द्वारा हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएं और हमें किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं पड़े। जबकि गीता के अंदर भी इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म प्रधान है, हमें बिना किसी फल की इच्छा करते हुए कर्म को करना चाहिए और अपने कर्म के बल पर ही संसार के अंदर अपने नाम को स्थापित करना चाहिए और अपने नाम को रोशन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।